नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल से इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग शर्मा ने खास बातचीत की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि हिमाचल में हुई भयंकर आपदा के चलते राहत राशि बढ़ाई गई है, जो लगभग राहत नियमावली से 10 गुना ज्यादा है, और 541 करोड़ की सहायता प्रभावित परिवारों को दी जा चुकी है। तो आइए सुनते हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने क्या कुछ बातें कही। हिमाचल में हुई भयंकर आपदा के बाद हिमाचल का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, राहत नियमावली में लगभग 10,000 रुपए था, और अभी की जो सरकार है उन्होंने उसको 10 गुना बढ़ाकर लगभग 1,00,000 रुपए किया। उसमें सर सबसे पहला सवाल जो है वो ये जानने वाला बनता है कि हिमाचल में आप एज अ बतौर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बावजूद जो कितने प्रभावित परिवार हैं ऐसे, जिन लोगों को आप लोगों ने इस राहत राशि को जो है कम से कम ऐसा बहुत बड़ा क्योंकि डिजास्टर हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने कितना राहत जो है वो लोगों को प्रदान की है। मैं समझता हूँ इस पूरी जो सदी की ये सबसे बड़ी जो आपदाई है हमारे जी, प्रकृति का भयंकर रूप देखा है जी, बारिशें इतनी सॉर्ट ऑफ ज्यादा हुई हैं कि इसके परसेंटेज को रियली सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब करना भी एक अपने दिमाग से बाहर की बात है। परंतु इस आपदा की घड़ी में हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय फ्रंट फुट पर रहे हैं, और पूरे जितने भी हम मंत्री हैं या जितने भी MLA हैं, सब अपने क्षेत्रों में भेजे गए हैं जी। मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी जो राशि थी वो तकरीबन 10 गुना बढ़ा दी गई। जो हम 10,000 का देते थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1,00,000 कर दिया था, और उसके बावजूद भी बहुत से परिवार प्रभावित हुए हैं, और इन्हीं के भी सभी हो गए हैं। पर हाँ, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 541 परिवार जो है वो सॉरी 5,400 परिवार जो है लगभग देखे जा चुके हैं, और 541 करोड़ जो पैसा है उसमें हमने बांटा जो है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिमाचल में स्वास्थ्य की सुविधाएं हॉस्पिटल्स हैं पर डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों ने ये फैसला भी किया है और ये कैबिनेट में भी डिस्कस हो चुका है जी। हम 700 नर्सिंग ऑफिसर्स को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं, और 200 हमारे डॉक्टर, जिसमें आधे कम से कम विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञों का 34 का तो हमने जो एक बैच चीज था वो भी बांटे हैं जस्ट अबाउट 2 weeks बैक, और जो 700 हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स से 97 डिप्लॉय कर दी जा चुके हैं। तो हम धीरे 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 प्रयास कर रहे हैं। जो एक हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बात कही थी कि हमारे 69 जो हमारी जगहें हैं उन जगहों में आदर्श स्वास्थ्य केंद्र संस्थान खुलेंगे, और हर हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्वास्थ्य संस्थान होगा जो आदर्श हो। आदर्श मीन्स वहां पे हर प्रकार के मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन होगा उसमें, IS स्पेशलिस्ट होगा उसमें, जो है एनेस्थीसिया का भी होगा, यहाँ तक कि स्किन स्पेशलिस्ट और दूसरे भी जो हमारे डिसिप्लिन के होंगे इंक्लूडिंग डेंटिस्ट, ये हम वहाँ पे एक प्रकार से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि उन बाहर की जो हमारी पेरिफेरी, अगर उससे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं स्ट्रांग हो जाती हैं, तो तब जो हमारे मेन हॉस्पिटल जैसे सोलन है, शिमला है, टांडा है, धर्मशाला है, मंडी है, इन सब पे प्रेशर कम होगा और लोगों को उनके राहत मिलेगी उनके स्थानीय क्षेत्र में। अच्छा शांडिल जी, एक सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में 108, अगर आपने देखा होगा कि पहले बहुत अच्छा नेटवर्क सिस्टम था और अचानक इसमें बड़ी डिटेरियरेशन आई और बहुत ज्यादा जो है जर्जर हालत में अभी जो 108 की अभी जितने भी ये एम्बुलेंसेज हैं वो चल रही हैं, तो उसके सुधार के लिए आप हिमाचल में क्या सोचते हैं कि क्या होने चाहिए फर्दर स्टेप्स? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैंने इसका संज्ञान लिया है और मैंने देखा है कि जो हमारी पुरानी फ्लीट है वो लगभग आउट ऑफ एक्शन है। इस वक्त हमारे पास 30% ही गाड़ी हैं जिन्हें हम चला सकते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऐसी हैं जो जो ठीक अवस्था में नहीं है, और मैंने निर्देश दिए हैं
कि अगले दो महीनों में हम धीरे धीरे इस बेड़े को, इस फ्लीट को सुधारेंगे और इसकी जगह अच्छी गाड़ियां लाएंगे और वो प्रक्रिया जारी हो चुकी है। अच्छा शांति जी, हिमाचल का बात करें या पूरे भारतवर्ष में, सोलन जिला जो है वो दवाइयों के हब के नाम पर मशहूर है। हिमाचल की सारी दवाइयां, शिमला की भी, सभी जगह से जो भी दवाइयां प्रोक्योर करते हैं हम लोग या बनाई जाती हैं वो हिमाचल के बद्दी एरिया से, सोलन के बद्दी एरिया से बनती हैं और वो एक हिमाचल हब जो है वो दवाइयों के लिए बड़ा मशहूर है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है सर, दवाइयों का बनने के बावजूद यहाँ पर बहुत सी स्पूरियस दवाइयों की लगातार शिकायतें आती रही, बहुत लोगों को जो है वो पकड़ा जाता है, परंतु कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो छूट जाते हैं। उन पर नकेल कसने के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो होने चाहिए? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही, मैं समझता हूँ, जो हमारा आज का संदर्भ है उसके विषय में प्रश्न पूछा है जी। ये बात सही है कि हम मानवता का जो लालच है वो बढ़ा है जी, और लालच के ही बढ़ते हमारे ये जो आज मैं समझता हूँ जो आपदा आई है, कुछ कुछ तो एक्सटेंट मैन मेड भी है जी। इसी प्रकार से जो हमारा दवाइयों का प्रचलन है, जो कि मैं समझता हूँ एक ऐसा कल्याणकारी स्टेप होना चाहिए, जो दवाई बनाता है वो ये सोचता है कि मैं इसमें कितना, मनाली वाले सेक्शन पे किए गए हैं जी, ऐसा यहाँ सोलन में भी किया जाता, ऐसा सोलन में किया जाता था, तो बहुत सी चीजें हमारी नुकसान से बच सकते थे। बिकॉज अभी बहुत से, जैसे मैं देखा यहाँ की जो डंगे गिरे हैं, खास जिससे बनी बनाई हमारी गांव की सड़कें बर्बाद हुई, कई बार खेत भी बर्बाद हुए हैं, और वैसे भी जो डैमेज हुआ है वो एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का डैमेज है, विच मीन्स के भाई आफ्टर ऑल वो पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक का ही पैसा है, वो काफी बच सकता था अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता। अच्छा कर्नल साहब, आप स्वास्थ्य, पूरा स्वास्थ्य, हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और खास तौर पर जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है, चेस्ट कंजेशन बढ़ती है, लोगों में अलग अलग तरह की डेंगू, मलेरिया और तरह की समस्याएं आती हैं। हालांकि हम अभी पिछले दो साल पहले कोरोना को भी देख चुके हैं, तो उसके लिए अब सुरक्षा के लिए क्या प्रभावी कदम जो है एज अ स्वास्थ्य मंत्री आप देख रहे हैं? जो ही ये आपदा आई उसके पहले ही हफ्ते में हम लोगों ने पूरी डिटेल्ड एडवाइजरी लोगों को इशू की है। एडवाइजरी मींस के भाई हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सिविल हॉस्पिटल या जो भी हमारे बड़े अस्पताल हैं, सबको ही जी ये निर्देश दिए गए कि सबसे पहले लोगों को अगर किसी को जैसे कंजक्टिवाइटिस होता आइज का, जो आमतौर पर हुआ है, उनको, हाँ, इनको थोड़ा आइसोलेट करना, आइसोलेशन वार्ड हमने ऑर्डर करा दिए, हम तो उनको कह दिया कि उबला पानी ही पिए और उबला पानी कैरी भी करें जहां भी जाएं, और इस प्रकार से अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उससे बहुत ज्यादा ध्यान दें ताकि ये जो आजकल की जो बीमारियां संक्रमण की हैं उनसे राहत मिले। ये एडवाइज हमने दी है और काफी इससे फायदा हुआ है ऐसा मैं देखा। शांडिल जी, एक और बात इसी से जुड़ता सवाल है कि हिमाचल में जो चिकित्सकों का अभाव जो है वो हमेशा से देखा गया है और बहुत ज्यादा कमी, बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही, मैं समझता हूँ, जो हमारा आज का संदर्भ है उसके विषय में प्रश्न पूछा है जी। ये बात सही है कि हम मानवता का जो लालच है वो बढ़ा है जी, और लालच के ही बढ़ते हमारे ये जो आज मैं समझता हूँ जो आपदा आई है, कुछ कुछ तो एक्सटेंट मैन मेड भी है। इसी प्रकार से जो हमारा दवाइयों का प्रचलन है, जो कि मैं समझता हूँ एक ऐसा कल्याणकारी स्टेप होना चाहिए, जो दवाई बनाता है वो ये सोचता है कि मैं इसमें कितना ज्यादा फायदा उठाऊं। कभी कभी तो 400 की 40,000 में भी दवाई मिलती है, ऐसा भी आजकल देखा गया है जी। और ठीक कहा आपने, हमारे क्षेत्र में भी जो कि देवभूमि है जहां पे नहीं होना चाहिए ऐसे वारदात हुए हैं, बल्कि मुझे फोर्सिबली अपने ड्रग टीम को कहना, ड्रग इंस्पेक्टर टीम को कहना पड़ा, और इसी मामले में हमने 9 अरेस्ट भी किए हैं और लगभग 33 लोगों के लाइसेंस भी रद्द किए हैं पिछले ही दिनों में। और इसमें और सख्त कदम उठाने की जो और भी जरूरत है हमारी, इस मामले में मेरी अपनी स्वयं की इस पर पैनी नजर है, और मैं चाहूंगा कि जो इस प्रकार के दोषी जैसे पकड़े जाएंगे उनको हम यहाँ तक भी करेंगे कि अगर जैसा 2 या 3 बार ऐसी चीज हमारे आ जाती है तो उनको किसी भी प्रकार का हम लाइसेंस नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी प्रावधान करने। अच्छा शांडिल जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे, क्योंकि आप सोलन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं
और सोलन को बड़ा ये दुर्भाग्य रहा है कि तीन बार स्वास्थ्य मंत्री मिले, परंतु तीनों बार अभी आपका तीसरा आप नियुक्त हुए हैं, तो क्या ऐसा है कि अब सोलन को एक अच्छा अस्पताल मिल पाएगा? ये तो सच में मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो 2012 की बात करें तब से लेकर मैंने इसका कंसेप्चुलाइज किया था, यहाँ तक कि तब हमारे जगतवास नड्डा जी स्वयं उन दिनों उसके बाद लोगों तक पहुंचा है, बाकी धीरे धीरे बाकी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रक्रिया भी लगातार जारी है, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, कलोसल डैमेज हुआ, जिसको देखकर सच में अपने माइंड को जो है वो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। शांडिल जी, इसी के चलते अगर आपने देखा कि कितना जितना बर्बादी हुई है, इसकी वजह सिर्फ ये अभी तो एक बार की बात है, हो सकता है कि ऐसी दोबारा बारिश हो जाए, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या सरकार उस पर कोई कदम उठा रही है? जो हमारी पिछली बड़ी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, इसके बारे में स्पेशली हम लोगों ने कैबिनेट में ये बात डिस्कस हुई और बड़े बड़े भूवैज्ञानिक से जानने के बाद और जिनको जियोलॉजी का अध्ययन है उन सब के हमने थोड़ा जो अंदाजा लगाया वो ये था कि बहुत सी जो हम गलतियां करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोगों ने अनसाइंटिफिक माइनिंग अभी तक की है, मैं तो आई एडमिट दिस फॉल्ट, और उसे साइंटिफिक माइनिंग की तरफ ले जाने का प्रयास करना होगा जी। और जो अनसाइंटिफिक माइनिंग होती है उससे बहुत ज्यादा ऐसे नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये पूरा इलाका है ये बहुत फ्रेजाइल हिमालयन रीजन है जी। मैं तो सच कहता हूँ, मैं तो एज ए मेंबर पार्लियामेंट मैं तो बिल्कुल भी फोर लेनिंग के हक में नहीं था जी, और समहाउ फोर लेनिंग आई, परंतु जो हमारा सेक्शन खासकर परवानू शिमला का सेक्शन है इस पर पूरा ध्यान शायद नहीं दिया गया, जो जो इसकी टनलिंग करनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ जो बचा सकती थी हमारी वन संपदा को, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ रोड, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ट्रीज वुड हैव बीन सेव्ड हैड वी डन टनलिंग लाइक कोरिया हैड डन इट। और मैं तो कहता हूँ जैसे पांच टनल हमारे दूसरी स्वास्थ्य मंत्री भी बने जी। और मुझे याद है कि जो यहाँ का जो हमने अपना सोचा था, जिस प्रकार से हमने जमीन का नक्शा दिया, उन्होंने अप्रूव भी उन्होंने किया जी। और आज उस जगह पर एक बहुत अच्छा भव्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा, क्या वो आपके कार्यकाल में बन पाएगा? अवश्य बनेगा, वो अगले दो वर्षों में तो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से तैयार हो जाएगा। तीन दिन पहले मैंने अभी उसका मुआयना किया था जी। और उसमें न केवल वो बल्कि उसके ऊपर हम वहां पे चौप पर उतरने की सुविधा के लिए भी प्रावधान कर रहे हैं। उसके साथ ही एक चाइल्ड केयर सॉर्ट ऑफ यूनिट भी बन रहा है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऐसे केसेस जो क्रिटिकली सिक हों जिन्हें बाहर जाने की जरूरत ना, वो सेपरेट होगा, उसमें सुविधाएं भी अलग होंगी। और ये मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी में ट्रॉमा सेंटर भी होगा, क्योंकि हमारी फोर लेनिंग तो ऑपरेटिव हो ही गई है जी। तो ये अपनी किस्म का इस क्षेत्र का मैं समझता हूँ समथिंग लाइक पीजीआई कह सकते हो, मिनी पीजीआई का एक रूप होगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को जब ये क्षेत्र सुविधाएं मिल जाएगी तो जो हमारा एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वो सिटी हॉस्पिटल के रूप में इसको रखा जाएगा, क्योंकि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, उसमें सब प्रकार के हाईली स्पेशलाइज जॉब वाले जो जिस क्षेत्र के होंगे सभी होंगे। और मैं समझता हूँ उससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा, काफी राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जिन्होंने हमें पूरा हिमाचल का किस तरह से बारिश से लेकर बाहर निकले, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से दवाइयों पर नकेल कसनी चाहिए, जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उन पर किस तरह से शिकंजा कसना चाहिए। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।